लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब आश्रम में आने के बाद और शिविर भरने के बाद कुछ प्रयोग आपने सुने हैं, समझे हैं, तो वो करेंगे। जब भी आपको पढ़ाई के वक्त भी ऐसा डर लगे, घबराहट होने लगे और परीक्षा दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो फिर हर महीने की एग्ज़ाम में या फिर वार्षिक एग्ज़ाम होते हैं, छः मासिक, मासिक, वार्षिक, तो उन परीक्षाओं में, टेस्टों में आपको घबराना ना ना पड़े, पसीना न छूट जाए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जब भी स्कूल में भी मास्टर, टीचर, अध्यापक, अध्यापिकाएं पढ़ाती हो तब भी, और घर में भी आप बुक पुस्तक खोलकर पढ़ते हो तब भी, जीव को गोल घुमा के तालू पर जो खड्डा है ना खड्डा, बहुत अंदर वाला, वो छेद वाला नहीं, ये ऊपर, यहाँ आगे दांत के ऊपर में जो ऊपर ऐसे खड्डा है, थोड़ा अंदर अंदर है ना दांतों के ऊपर में, वहाँ अपनी जीभ को लगाना है, टच करवा दो वहाँ, और मुंह बंद करना, खुला रहेगा तो मक्खियाँ घुस जाएगी, मच्छर बहुत होते हैं शाम को, तो फिर मच्छर घुसेंगे, वो तकलीफें हो जाएगी, तो सावधानी रखनी, ऐसा खुला का खुला ना रह जाए मुँह फटा, मुँह बंद, जीभ को तालू में। सरस्वती मंत्र लिया है तो सरस्वती मंत्र भी बोल सकते हैं, या फिर इस तरह से ओम गुरुवे नमः। अब ये भी आपको याद करना है, काम की चीज़ है, आपको हर समय टेस्ट के समय, परीक्षा के समय याद करते वक्त घबराहट होती है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, भूलने की बीमारी है, तो ये हर जगह काम लगेगा। तो अभी भी आपको ये चीज़ याद करनी है तो जीभ को गोल तालू में लगा लीजिए और सुनिए उस तरह से, तो भगवान गुरुजी मदद भी करेंगे और इससे जो डर के मारे जीवनी शक्ति ह्रास होती है, घबराहट होती है, पसीना छूट जाता है, वो सब नहीं होगा और याद आ जाएगा, भूले होंगे तो भी वापस एकाग्रता बनेगी और वो याद आ जाएगा। समझ गए? तो जीभ को तालू में लगाओ, ओम गुरवे नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, सरस्वत्यै नमः, ओम गुरुवे नमः। ये तीन नामों को याद कर लिया, और कुछ या तीनों नाम याद नहीं आए तो गुरुवे नमः या ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, जो अनुकूलता आवे भगवान को, गुरु जी को, गणेश जी को और सरस्वती माता को याद कर ले, तो जो भूल गए हैं वो याद आएगा। आ गया समझ में? आ गया? अच्छे से बोलो, आ गया? एक बात सावधानी, एक बात की सावधानी रखेंगे, जब जवाब भी स्कूल में या बड़े लोग कहीं पूछते हों, घर में माँ बाप या कहीं भी जाते हैं अच्छा ज्ञान लेने के लिए, तो वहाँ जो रफली जो बोलते हैं ना, रफ भाषा में तीखा तीखा, वो अच्छा नहीं लगता है। सौम्यता से जवाब देना चाहिए, शालीनता के साथ जवाब देना चाहिए, उससे हमारी क्या, हम कैसे हैं, कैसे संस्कार हैं, हम किस घर के बच्चे हैं, किस गुरु के शिष्य हैं, उससे पहचान पता चल जाती है। हमारे वेशभूषा से, हमारे चाल चलन से, हमारे चारित्र बल से, हमारी आँखों के द्वारा, हमारे हिलचाल के द्वारा ही पता चलना चाहिए कि किसी महान सद्गुरु के महान प्यारे बच्चे हैं। ये पहचान अपने को देना जरूरी है। स्कूल पढ़ने जाओगे तो रोज़ माँ बाप के चरण छू के, घर में पिताजी नहीं है चले गए तो माँ है, माँ के चरण छू के जाएंगे। एक बच्चा था, उसका नाम रख लेते हैं काल्पनिक रामू, और रामू ने दीपू को कहा कि देख आज मैं किसी काम से घर में हूँ, एग्ज़ाम हो गई है, परीक्षा हो गई, तू जा रहा है ना रिजल्ट देखने के लिए, मेरा भी देखते आना कि मेरा रिजल्ट कैसा है, और मुझे आके बताना, लेकिन ध्यान रखना मेरे घर में मेरे माता पिता भी हैं, अगर मेरे को एक में सप्लीमेंट्री मिले, एक अंक में मैं फेल होऊं, तो तुम मुझे जय श्री राम बोल देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि
कि मैं एक विषय में फेल हुआ हूँ। ऐसा मत बोलना आके घर में झट आके कि तू फेल हो गया है, मेरे माँ बाप है उनको दुख होगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैं दो विषय में फेल हो जाऊँ ऐसा लगे तो तू मुझे मत कहना ऐसा कि दो विषय में फेल हुआ, तू ऐसा बोलना जय साई राम, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं दो विषय में फेल हुआ। अगर मैं तीन विषय में फेल हो गया तो तुझे कहना है ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, तो मैं समझूंगा मैं तीन विषय में फेल हुआ। बोले ठीक है मैं समझ गया। वो दीपू गया स्कूल में, जहाँ उनको रिजल्ट जिस समय मिलना था मिला, देखकर अपना भी देख के आया, उस रामू का भी देख के आया, और उस रामू के घर जाके बोला जोर से, सारे देवी देवता की। अब आप समझ गए, ये तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हो।